अस्सलाम वालेकुम खवातीन, खसूसी तौर पे खवातीन और हजरात। तो फिर जहाँ खवातीन होगी वहाँ पे हजरात तो आ ही जाएंगे। और इस तरह हम, जैसा कि आपको जानते हैं, हम पॉडकास्ट करते जा रहे हैं। वेलकम टू द वन ऑफ द जेन्युइन एपिसोड्स ऑफ द पॉडकास्ट, क्योंकि आज हमारे साथ एक जेन्युइन पर्सनैलिटी बैठी हुई है। इस बंदे ने कोई काम नहीं छोड़ा जो इसने ना किया हो, तो इसलिए मैं अपने मुँह से इनकी तारीफ करना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। फिर मुँह छोटा और भैड़ी बात नहीं, मतलब मुँह छोटा और बड़ी बात वाला हिसाब हो जाएगा। तो मैं इनसे कहूँगा कि अपना तारीफ खुद कराएं। जी हुजूर। आप ज़्यादा बोल गए हैं मेरे ख्याल से, मतलब मैंने इतना भी कुछ नहीं किया। आते ही जलील कर दिया ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये जैनमन बंदा, ये बैठे पास बैठे बंदे को देख के बता देता है कि यार ये बंदा किस तरह का। चले मैं ही बता देता हूँ, इनका नाम शहरयार अहमद है और ये भाईजान इवेंट मैनेजमेंट की। नहीं, कोई इवेंट मैनेजर नहीं अभी, मतलब अभी ज़रा कोशिश कर रहे हैं हम। कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरव्यू हो जाए किसी ना किसी तरीके से, अगर ये मेरे ऊपर काबू ना करने की कोशिश करें तो। चले इवेंट मैनेजमेंट, चले मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है कि मार्केटिंग में तो आप हैं ना, थोड़ा बहुत से ही हम इस्तफादा करते हैं। कि मुझे एक चीज़ बड़ी ज़ोर से ख़ारिश हो रही है कि मार्केटिंग में लड़कियों का क्या रोल है। आपको मसला मार्केटिंग में लड़कियों से या ख़ारिश से, पहले ये बताएं। ख़ारिज की तो दवाई मिल जाती है, लेकिन लड़कियों की दवा जो है वो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप तो फील्ड में हैं ना। मैं तो ना किसी टूर पे ना किसी खाते में। देखिए ये कदर ना, ज़रा थोड़ा सा सवाल किसी और सेंस में भी जा सकते हैं, मगर चले इसको ज़रा एक छोटे अंदाज में बयान करते हैं। देखिए बात ये है, कॉमन सेंस में कर ले। हाँ, हमारी आवाम ये है कि वो जब तक बच्ची ना देखे ना तब तक उनको मज़ा नहीं आता। तो ये वही वाली बात है कि मार्केटिंग में बच्ची लाना, मतलब समझ जाए ना। नहीं तो छोटी छोटी बच्चियां क्यों ला रहे हैं जो लड़कियां जवान हो चुकी मतलब हैं। वो देखे ना, वो जो दिखता है वो बिकता है। जब तक आप मार्केटिंग को बच्ची के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे तो लोगों को लगता है चीज बिकेगी नहीं। तो ये टारगेट ऑडियंस खराब नहीं हो जाएगी, लौंडे लौंडे ही देखेंगे फिर। आपकी वाम ऐसी बड़ी खराब है तो कोई बात नहीं, उनको होने नहीं खराब, और क्या। तो ख़वातीन किसको देखेंगी, लड़कियां किसको देखेंगी? लड़के तो लड़कियां देख लेंगे, वो लड़कियां किसको? आपको क्या लगता है लड़कियां भी बड़ा कुछ देखती हैं? यार क्या हो गया यार, ये तो बम फाड़ना शुरू कर दिए इन्होंने। अच्छा हम एक और सवाल पे आते हैं कि अगर मार्केटिंग में लड़कियों का इतना स्कोप है तो हम जैसे लड़के बेचारे फिर क्या करें? MBA मार्केटिंग करके फिर ट्यूशन ही पढ़ाएंगे ना, और क्या। देखिए मार्केटिंग पढ़ना और मार्केटिंग को फील्ड में उसको उस तरह से प्रैक्टिस करने में फ़र्क है। नहीं आप गलत ले गए, मैंने पढ़ाई वाला पढ़ना कहा, वो कुत्ते की तरह पढ़ना नहीं कहा। वो आप अच्छा, गलत अच्छा। समझ गए। नहीं तो आप मेरी बात सुनिए, आप मार्केटिंग MBA मार्केटिंग को एसोसिएट कर रहे हैं। अगर आप मुझे पहले बताएं कि आप खवातीन का एडवर्टीजमेंट में या एड्स वगैरह में आने की बात कर रहे हैं या सिर्फ मार्केटिंग में, क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स डिफरेंट फील्ड है और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ डिफरेंट चीज़ है। मेरी तरफ से कहीं भी आ जाए यार, मुझे नहीं। अगर आप थोड़ा सा उसको प्रिसाइसली बात करें तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में लड़कियों का रोल ज़रा डिफरेंट जा रहा है, मार्केटिंग एक्टिविटीज ज़रा डिफरेंट है। तो डिफाइन करें ना वो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि देखें, अगर आप एक जब तक करीम का ऐड है, मतलब फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसका पीछे से जो प्लानिंग है ना, वो तो खैर बहुत सारे मर्द हज़रात ही कर रहे हैं मार्केटिंग की फील्ड में या एडवर्टीजमेंट की फील्ड में रह के, और उसको फोर फ्रंट पे बेचने के लिए उनको खवातीन, क्योंकि ब्रांड कॉन्शियस लोग ये हैं कि जब तक अच्छी लड़की अच्छा चेहरा नहीं आएगा, वही वाली बात कि आप फेमिनिनिटी को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये इस तरह से ही आपकी आइडियल फिगर है या आइडियल कलर ये है, ये तो चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं ना। ये हर चीज़ के ब्रांड की एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस बन डेवलप हो रही है, ये मार्केट की स्ट्रेटजी रूल ये चल रहा है। यानी जिस एड में ना हो बच्ची वो मशहूरी है कच्ची, यही कहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ओए ओए ओए, यानी अच्छा तो बजट कितना को लग जाता है ऐसी एड्स बनाने? देखिए डिपेंड करता है क्लाइंट पे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। वाह वाह, यानी जित नहीं, मैं क्लाइंट पे नहीं जा रहा, आई बाद में मेरे पास भी आ सकता है ना, मेरी मार्केट खराब होगी। अच्छा तो अच्छा, आपने आप मार्केट के बारे में जरा बात करें ना, आपकी कौन सी मार्केट चल रही है? मैं ऑनलाइन ही काम करता हूँ, फ्रीलांस बंदे और क्या करेंगे। तो आप एक आधा तजर्बा शेयर करें ना हमारे साथ, कभी आपके साथ कोई मिसहैप हुआ है? आप भी लड़के हैं ना, कोई लड़की आ गई बॉय को साइड पे करा दिया, लड़की इन हो गई? नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ ऐसे वाकया नहीं आया, क्योंकि मुझे अपने आप को बेचना आता है। वो तोड़ी खैर, वाह जी वाह, बनी बनाई प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है, बस ऐसे ही है। और हम एपिसोड के बाद इनका रेट भी बताएंगे आपको, ठीक है। हंस रहे यार आप, मैं आपकी वो क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं। बातें अभी ना ऑन रिकॉर्ड ना करें, बाद में करेंगे। चलिए हम आपको SMS कर देंगे, इनबॉक्स कर देंगे,
फेक आईडी बनाई हुई है ना आपने, वहाँ से कर देंगे। ठीक है, तो जाते जाते कोई आखिरी पैगाम, आखिरी नहीं, आपकी ज़िंदगी लंबी ज़िंदगी करे, जिंदा हैं जिएंगे, लेकिन कोई पैगाम देना चाह रहे हैं आप? मेरा पैगाम यही है कि जो करें खुल के करें, कोशिश करें कि अपना रेट बढ़ाएं और मेहनत करते रहें, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। नहीं, मार्केटिंग में कैसे खुल जाएं आप? सिर्फ मार्केटिंग, मैं हर चीज़ की बात करूं, अगर आप ये सोच के पहले बैठ जाएं कि भाई मार्केटिंग में सिर्फ लड़कियां हैं तो लड़कों का काम नहीं, तो ये गलत है। आप कोशिश करें, मेहनत करें, आप भी पहुंच जाएंगे उसी जगह पे। यानी मैं भी शेव करा के काम आ सकता हूँ, और ये भाई ने जेन्युइन मुझे टिप दे के मेरे काम आ गए, तो भैया मेरी इतनी दुआएं निकलती ना मेरे दिल से, मुंह नहीं आपका, लेकिन इससे पहले मैं इमोशनल हो जाऊँ, ये एपिसोड जो है वो मेरे आंसुओं से गीला हो जाए, इसको ख़त्म करते हैं यहीं पर। तो बहुत शुक्रिया आपका शहरयार अहमद, ये इवेंट मैनेजर नहीं है, इन्होंने पहले बताया, और हमें बड़ा मजा आया आपसे बात करके। शुक्रिया। और स्मेल भी आ रही, डियो नहीं लगाया आपने? लगाया हुआ है। ठीक है, चलें, पूरा दिन काम करके थक गए हैं, चलें जाएं आप। ठीक है, बड़ी हो गई, ओके, इतना टाइम काफी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।